बाहर की दुनिया देखने को अब तरसेंगे यूपी के दुर्दांत अपराधी। जेल से ही होगी दुर्दांत अपराधियों की कोर्ट में पेशी और ट्रायल। सीएम योगी ने प्रदेश की हर जेल और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 5G का होगा इस्तेमाल। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी करीब 400 लोगों की समस्या। फरियादियों को दिया भरोसा, कहा मत करें चिंता, हल होगी आप सबकी समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर समेत 4 मंडलों की रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा तकनीकी का प्रयोग व प्राकृतिक खेती आज की है आवश्यकता। बागवानी, सब्जी व सह फसली खेती की ओर भी अग्रसर हो किसान। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% अकेले यूपी का है योगदान। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 अपराधियों के ऊपर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। कई बच्चों का किया अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन एवं डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई मधुमेह पदयात्रा, किया गया जन चेतना व्याख्यान का आयोजन। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, डायबिटीज जैसी बीमारी को केवल कर सकते हैं कंट्रोल, पर यह बीमारी नहीं हो सकती है कभी खत्म। चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त मनीष यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लाख मीट्रिक टन धान की जाएगी प्रदेश में खरीदारी। 1 नवंबर से धान खरीद का कार्य है शुरू। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी जानकारी। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 80 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर को किया बरामद, भेजा जेल। और 3 दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का हुआ शुभारंभ। 21 ब्लॉक स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने किया प्रतिभाग, कहा खेलकूद से बच्चों का होता है शारीरिक और मानसिक विकास।